जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। Hi everyone, my name is Akanksha and welcome back to my channel. So this video is going to be a vlog. So मैं तैयार हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। आज है क्रिसमस, सो मेरी क्रिसमस आई गेस। हम ना एक बेसिक चीज़ में उलझ के रह जाते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं तो कैसा लगाएं। सो नो वरीज, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्लिक्स का सनस्क्रीन। ओके, लेट मी टेल यू गाइज, जब भी हम सनस्क्रीन खरीदते हैं ना, तो हम बेसिक कुछ चीज़ें जैसे याद रखते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे चाहिए और ऐसे ऐसे हमें लेना है, और इस सनस्क्रीन में सब कुछ है। मेरे स्किन ऑयली है ना, और मैं ना अगर सनस्क्रीन लेने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ना ऐसा मुझे कोई सनस्क्रीन मिले जो ना ऑयल टेक्सचर का ना हो, ग्रीसी सा ना हो, और मतलब मेरे स्किन में वाइट कास्ट ना छोड़े। और इस सनस्क्रीन में सब कुछ है, मतलब दिस इज़ लाइक सो गुड, सो गुड। नो वाइट कास्ट है, मतलब जो वाइट धब्बे हो जाते हैं ना लगाने के बाद सनस्क्रीन, वो नहीं होगा। नॉन ग्रीसी है, बेस्ट पार्ट फॉर मी, मतलब जिसके ऑयली स्किन है ना उसके लिए बेस्ट पार्ट है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन, मतलब कैसा भी स्किन हो तुम्हारा, ड्राई हो, मतलब कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, सबके साथ जाएगा। एक ना ड्यू फिनिश देगा, मतलब ग्लो आ जाता है एकदम लगाने से। और बेस्ट पार्ट इसमें SPF 50 है, मतलब SPF 50 हर सनस्क्रीन में ना SPF 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें SPF 50 है। UV रे से प्रोटेक्शन देगा और पैराबेन फ्री है, और क्या चाहिए मतलब। और इसको लगाना ना इतना ईजी है, जितना लेना तुमको अपने पाम पे लो और अच्छे से ना अपने फेस पे मसाज करो। गले को मत भूलना, नेक को स्किप करना बहुत बुरा है, गले पे भी लगाना अच्छे से। और तुम्हें लगता है ना कि कम पड़ रहा है, तो और एक्स्ट्रा लगा सकते हो और अच्छे से मसाज कर सकते हो। और लुक एट माई फेस, ग्लो कर रहा है, लिटरली ग्लो कर रहा है। और मेरे को लगता है ना दिस इज़ गोइंग टू माई फेवरेट प्रोडक्ट, ये मेरा पर्सनली फेवरेट बनने वाला है। एंड सारे चीज़ें लिंक सब कुछ, डिटेल्स सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन यूज़ माई कूपन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेडी। सो दिस इज द ड्रेस आई एम गोइंग टू वेयर। ये ना सरोजिनी से लिया था 100 रुपये का बहुत पहले, तो आज मुझे मिला है टाइम की स्टाइल करूँ। आज क्रिसमस है तो रेड, वाई नॉट। और इसके साथ आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस जैकेट बिकॉज बाहर ठंड है, और ये कट स्लीव्स है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेडी, और मैं मिलती हूँ तुमको रेडी होने के बाद। ओके ओके, आई एम ऑल रेडी, आई एम गोइंग। ओके, ऑलरेडी 3 बज गए और बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, बट ठीक है। आई एम जस्ट लाइकिंग द आउटफिट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट इट्स लुकिंग गुड। या तो भाई मैं सच धज के निकल पड़ी हूँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। इट्स गोइंग टू बी अ डेट, यू नो, अ क्रिसमस डेट। मतलब दिल्ली ना पूरी शोशा है भाई, मतलब त्योहारों में अगर आ गए ना दिल्ली, तुम लोगों को ना अलग ही दुनिया मिलेगी। मतलब लिटरली, मतलब दिवाली हो, होली हो, मैं घर से नहीं निकलती हूँ क्योंकि फैमिली के साथ बिताना होता है ना, ऑफकोर्स। लेकिन इस बार सोचा चलो बाहर चलते हैं, और क्रिसमस इज़ दिल्ली पूरी रेड में सनी हुई थी यार, हर जगह लाइट्स थी, हर जगह क्रिसमस ट्रीज थे, और दी वाइब इज़ हाँ थोड़ी सी ठंड थी, थोड़ा पोल्यूशन भी, नो डाउट, बट अच्छा दिन था। शॉपिंग पे गए, जनपद गए, थोड़ा सा इधर उधर शॉपिंग किया। मतलब शॉपिंग करने से मुझे कौन ही रोक सकता है, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं कर ही लेती हूँ शॉपिंग। उसके बाद इधर उधर घूम रहे थे, फिर हम सेंट्रल पार्क गए दिल्ली के, जो राजीव चौक में है, वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, एंड दैट पर्सन इज़ सिंगिंग सो कूल, आई डोंट नो द बैंड, मेरे को नहीं पता था, बट हम वहाँ पे घुस गए, और ही वॉज़ एक्चुअली गुड, ही वॉज़ रियली गुड। मतलब एक आवाज़ ही ऐसा है ना जो ना लोगों को जोड़ लेता है समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, एग्जैक्टली। और इट वॉज़ सो मच फन, इट वॉज़ वेरी मच फन एक्चुअली, एंड आई एम लुकिंग यू नो रेड और ब्लैक में, दिस ड्रेस इज, और मात्र मतलब वो 100 रुपये का ड्रेस है। एंड में डिनर वनर किया, वो वापस आ गए घर,